नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका 365 डेली में। मैं हूं सानिका घाघ और ये है आपके शाम 7 बजे की न्यूज़। सबसे पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुंबई में जारी मेट्रो बांध काम के कारण हो रही है रोजमर्रा की प्रवासियों को ट्रैफिक की परेशानी। डंपिंग ग्राउंड के बढ़ते कचरे को ढेर से सतर्क होकर मुंबई महानगर पालिका का ठोस निर्णय, हर सोसाइटी में कूड़ा जमा करने के लिए कुछ खास प्रबंध। मुलुंड में तेंदुए के आतंक के कारण हो रही है हर सोसाइटी सतर्क, ले रही है कुछ खास सावधानियां। विश्व क्रिकेट का सबसे चहिता और सबसे घरेलू T20 यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL शुरू हो रहा है 23 मार्च से। इस चीज को बताते हुए वीवो IPL का नया एड गेम बनाएगा नेम। ब्रह्मास्त्र ने किया अपना नया लोगो लॉन्च। कुंभ के मेले में 150 ड्रोन्स उड़ाकर इस अद्भुत आकर्षण को देखने के लिए लोग हुए हजारों की तादाद में मौजूद। सब ड्रामा चल रहा है, सब भाई भाई है। चाहिए वॉर होना चाहिए, तो आप क्या सोचते हो? होना चाहिए, होना चाहिए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब दिया भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करके, और फिर शुरू हुआ इंडिया पाकिस्तान का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। अब ये लड़ाई दो देशों के मिलिट्री के बीच की नहीं रही है, अब ये लड़ाई हो गई है दो देशों के लोगों के बीच में। पिछले कुछ दिनों में देश के हालात सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिए जा रहे हैं। लोग अपना आक्रोश ट्विटर और फेसबुक के प्रतिक्रियाओं द्वारा हम सबको बता रहे हैं। इनका गुस्सा और इनकी नाराजगी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस वजह से इस समस्या ने एक नया मोड़ ले लिया हुआ है। ये बात इतनी ज़्यादा चर्चित हो रही है कि ना ही सिर्फ दो देशों के लोग बल्कि दो देशों के न्यूज़ चैनल्स अर्थात इंडिया और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स भी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर नीचा दिखा रहे हैं। पुलवामा अटैक्स को जिस तरह से सोशल मीडिया ने दर्शाया हुआ है, उस बारे में आइए देखते हैं कुछ लोगों की राय। इस सिलसिले में चलिए आइए बात करते हैं हमारी संवाददाता ट्विंकल से, जो जुड़ी है हमारे साथ सीधा विद्या विहार से। तो आप क्या कहना चाहती है, पुलवामा जो अटैक हुआ है और उसके जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं, या उस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, ख्याल ये है, ये सब ड्रामा चल रहा है, सब भाई भाई है, राइट। ये सब सोचना चाहिए, जो बड़े बड़े जो खेल जो प्लानिंग पहले से ही चल रहा है उसके बाद वो डिस्प्ले हो रहा है, पहला डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये सब फोटो कॉपी है, ऐसा कहना चाहिए। तो आप जो मतलब ये जो लोगों ने उसको जिस तरह से दर्शाया है या जैसे सोशल मीडिया पर बताया, कि आपको लगता है वो सही है? देखो, सोशल मीडिया, ये मीडिया सब जगह है, आम आदमी भी काम कर रहे हैं। पहले रेडियो था, राइट और रॉन्ग, टीवी आया, अभी मोबाइल में ऐसा ऐसा फास्ट है, घर घर बैठे फोटोकॉपी हो रहा है, वही डिस्प्ले हो रहा है, वही इसमें आ रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, ये ध्यान में रखिए आप। तो उसमें सच और झूठ तो आप कहना चाहिए, मीडिया वाला प्रैक्टिकल जाओ, प्रैक्टिकल देखो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ, एकदम सही कह रही हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन लेने जैसा है इसके बारे में? मतलब लेना चाहिए ऑब्जेक्शन, उनके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। ट्विंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं हमारी अगली संवाददाता विधि से, जो जुड़ी है हमारे साथ मुलुंड से। पता होगा कि सब लोग वॉर के बारे में बात कर रहे थे कि वॉर होना चाहिए, वॉर होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। अच्छा, तो एक बार अगर वॉर हो गया तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा हम लोग कितने में हैं, और उसके हिसाब से जो पब्लिक जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, जो सोशल मीडिया पे सब जगह बोल रहे कि सब बोल रहे वॉर होना चाहिए, वॉर होना चाहिए, तो आप क्या सोचते हो? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। और जिस तरीके से बताया जा रहा है और जिस तरीके से लोग हमारे ही लोग हम पे ही ब्लेम डाल रहे कि जो अटैक हुआ था उसका सबूत दो, तो आप क्या बोलना चाहते हो उस बारे में? वो गलत है, किस बात का सबूत मांग रहे हैं। ये थी आज की खास खबर। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए 365 डेली। And I'm gonna take this
चलते हैं हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ। आज के हमारे एक्सपर्ट है धर्मेंद्र भट्ट। धर्मेंद्र जी गुजरात समाचार में एक माननीय जर्नलिस्ट रह चुके हैं। इस वक्त हमारी रिपोर्टर श्रीशा अंकुश उनके साथ मौजूद है, जो उनका इंटरव्यू ले रही है। आइए बात करते हैं हमारी संवाददाता श्रीशा से। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जो भी पुलवामा अटैक के बारे में हुआ सोशल मीडिया पे, आपको क्या लगता है सही हुआ? देखिए, सबसे पहला तो मैं जो हमारे जवान पुलवामा के अटैक में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करूंगा। और जहां तक पाकिस्तान पे हमने जो एयर स्ट्राइक की है उसकी आप बात कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि एयर स्ट्राइक के बारे में किसी भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट और हमारे मशीनरियों ने और हमारे डिफेंस ने ये बात कही है, तो मेरा मानना है उसके बारे में किसको भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये संदेह उठाते हो तो आप देश की एकता और अखंडता के सामने आप सवाल कर रहे हो। तो मेरी हर एक भारतीयों से एक विनती है, क्या अटैक के बारे में प्लीज़ हम कोई पॉलिटिक्स ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीशा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ। हमारे दूसरे एक्सपर्ट है सेना में भर्ती खोए जाने वाले एक ट्रेनी। जी हाँ, इनका नाम है विजेंद्र सिंह राठौड़। इनकी मुलाकात ले रही है हमारी इंटरव्यूअर हीनल। बीइंग अ न्यू मिलिट्री ट्रेनी, आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि पुलवामा अटैक्स में हमारे नौजवान वीरगति प्राप्त कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे गुस्सा आया, ऐसा लगा कि मैं उन लोग देश में घुस के लोग मार के आऊँ। पर बाद में मैंने सोचा कि मेरे जवानों की बलिदान में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा। आपकी इस सोच को देश सलाम करता है। ये तो हो गई दो फौजों की बात, बट आजकल सोशल मीडिया पे हर छोटी बात को बहुत बड़ा बोल के बनाया जाता है, और वही पुलवामा अटैक्स के बारे में हुआ है। सब लोग अपनी राय बताने के बदले मतलब सोशल मीडिया पे पूरा वॉरफेयर बना चुके हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर उससे अच्छे से यूज करें तो बहुत अच्छा है, पर लोग अपना गुस्सा उस पर जता रहे हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कब कहाँ कैसे बोलना चाहिए। लोग अपने ही देश के बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं, तो मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें। हीनल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ने से पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए 365 डेली। I'll just drink it.